What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 6 फरवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:18 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है अराउंड 11 से 1 बजे के बीच में, तो बी कॉशियस वाइल ट्रेडिंग। कल निफ्टी का हमने जो एनालिसिस किया था उसका सबसे पहले रिव्यू करेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे और आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये है एक पिक्चर कल का, यानी 5 फरवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,000 के पास और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,951 के पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास और नीचे आया और एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से ये ऊपर की तरफ मूव हुआ। और जैसे ही ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, हमारा फर्स्ट टारगेट 12,021 ये यहाँ पर अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट भी 12,042 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। काफ़ी देर तक हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 12,000, जहाँ पर हमने कल डेली चार्ट में देखा था कि ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस हर्डल आ रहा है और वहाँ पर 20 DMA और 50 DMA एक ही लेवल के पास क्लब हो रहा है। तो काफ़ी देर तक उस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वहाँ पर। जैसे ही इस लेवल को ऊपर की तरफ इसने ब्रेक किया और सेकेंड टारगेट के लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया, निफ्टी इंडेक्स ज़बरदस्त और ऊपर की तरफ यहाँ से मूव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल भी US मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली, नासडैक करीब 40 पॉइंट्स के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहाँ पर भी सभी हरे निशान में कल बंद हुए। आज एशियाई मार्केट SGX निफ्टी हल्की सी कमजोरी दिखा रहा है इस समय, हालांकि जापानीज इंडेक्स 483 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल एशियाई बाजार में भी पॉजिटिव अप्रोच इस समय देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 118 पॉइंट की इस समय तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो अपसाइड मूव आया था स्विंग लो से स्विंग हाई तक, इसको पकड़ के हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था। तो अभी इसने 61.8% का ये जो लेवल आ रहा था 11,600 के पास, इसने यहाँ पर इस सपोर्ट टेस्ट करके एक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिखाया, एक रिकवरी दिखाया। तो अभी ऊपर 12,114 का ये जो लेवल है यहाँ पर एक हर्डल है। ये 38.2 और 50% के लेवल को इसने आराम से कल पार कर लिया और अभी ये 12,114 नेक्स्ट हर्डल के पास ये इस समय आ चुका है। तो अभी यहाँ से, कल भी हमने बात किया था, पहले तो 20 MA के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है और उसके बाद ये जो लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है इसको ब्रेक करना, ऊपर की तरफ ब्रेक करना ज़रूरी है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ से ये अपसाइड मूव आगे कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। अभी फ़िलहाल 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है वीक ख़त्म होने के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा ओवरनाइट पोजिशन बनाने के लिए। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रांग रिवर्सल पैटर्न बना है जिसका नाम है 3 White Soldiers, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। जब भी डाउन ट्रेंड के बाद ये ऐसा पैटर्न आता है, 3 बुलिश कैंडलस्टिक बनते हैं और इसका हाई जो है प्रीवियस कैंडल के, इसका जो क्लोज है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर होता है, तभी इसे 3 White Soldiers कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड के बाद आया तो स्ट्रांग रिवर्सल पैटर्न है। कल हमने यहाँ पर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हर्डल फेस करता है ऐसा हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। काफ़ी देर तक ये 12,020-30 की लेवल के पास ये पेनेट्रेट कर रहा था। लास्ट आर में इसने इसको भी ब्रेक करके इसके ऊपर ये क्लोज दे दिया। तो यहाँ से स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम जारी है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आज एक इवेंट है, RBI की मॉनिटरी पॉलिसी है। जब भी ऐसा अप ट्रेंड आता है ये 3 White Soldiers बनते हैं तो उसके नेक्स्ट डे एक छोटा करेक्शन भी आता है और करेक्शन के बाद जैसे अभी ये मूविंग एवरेजेस और आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है अभी ग्लोबल मार्केट जैसे हम देख रहे हैं
तो थोड़ा सा ऊपर ओपन होने के बाद नीचे अभी ट्रेंड लाइन का कल जैसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर से अभी सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक हो, तो थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये आगे बढ़े, ऐसा भी हो सकता है। ये एनालिसिस है, ऐसा ही होगा, ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। अभी अगर यहाँ से ये जो अपसाइड मूव आया था, इसका हमने रिट्रेसमेंट लेवल निकाला था, अभी ये जो डाउन साइड आया है, इसके बाद ये अपसाइड आया है, तो अगर हम इस डाउन साइड का अगर रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, तो आप देख सकते हैं इसका 61.8% का लेवल भी 12,118 के पास आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है एक ट्रेंड, एक यहाँ से हमें एक छोटा करेक्शन देखने को मिले, और फिर ये नीचे आकर 12,022 जहाँ पर ये कल अटक रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहाँ पर ये सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक हो। तो ये एनालिसिस है। अभी फिलहाल दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस वीक को ख़त्म होने में। अगर ये इन दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से उम्मीद और बढ़ जाएगी कि यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये है अभी फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप देखें तो अभी ये जो अपसाइड मूव आया है, ये लास्ट जो यहाँ से एक डाउनफॉल आया था, एक है यहाँ पे और दूसरा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है, तो इन दो लेवल्स ये हर्डल का काम कर सकती है। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी 12,105 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। तो इसको हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेकआउट लेवल आज के लिए। ये होगी हमारी ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,126, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 12,147, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो काफ़ी सपोर्ट लेवल्स है। ये 100 EMA का मूविंग एवरेज पिवट पॉइंट के लेवल के पास आ रहा है, उसके बाद S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, और फिर दो मूविंग एवरेजेस है 20 और 50, ये दोनों भी ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहे हैं। तो काफ़ी रिस्की होगा यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाना, क्योंकि कौन सा सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है ये कहना मुश्किल है। तो ओनली फॉर कंपल्सिव ट्रेडर्स, ये अगर 100 EMA के नीचे चला जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये पास्ट में इसने सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ है यहाँ पर, तो इस लेवल को आज हम एज अ मार्क कर सकते हैं, ब्रेकडाउन लेवल, इसको हम मार्क कर देते हैं ब्रेकडाउन लेवल। इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा आज के लिए 12,015, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,995, ये हमारा आज के लिए सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।